हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप के डार्क स्काई फॉरवर्डिंग करने वाले हैं, वो भी लाइटरूम ऐप की मदद से। सो गाइज, ये एटी मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। गाइज, आपको सबसे पहले लाइटरूम ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। गाइज, हम सिंपली इस फोटो को एडिट करने वाले हैं, सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं एंड इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे ऑल फोटो पे क्लिक करना है एंड अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। सो गाइज, सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी फोटो के अंदर लाइटिंग को एडजस्ट। तो सिंपली यहाँ पे हमें लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड गाइज, इसके अंदर एक्सपोजर है, इसको हमें हल्का से यहाँ पे डाउन कर लेना है। एंड कंटेस्ट गाइज, इसको हमें इंक्रीज करना है। सिंपली यहाँ पे इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, हाईलाइट है, इसको हल्का सा इसको भी हमें इंक्रीज कर लेना है। एंड शेडोज गाइज, इसको हमें डाउन करना है। सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड वाइट गाइज, इसको हल्का सा इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे ब्लैक्स गाइज, इसको हमें डाउन करना है। एंड हमारी लाइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है, तो सिंपली हमें यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड गाइज, यहाँ पे टेम्परेचर है, इसको हमें हल्का से यहाँ पे माइनस कर लेना है। सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड टिंट गाइज, इसको हमें इंक्रीज करना है, इसको हम सिंपली यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड वाइब्रेंस गाइज, इसको भी हमें इंक्रीज करना है, इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज कर लेना है। एंड सैचुरेशन को भी हमें इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, अब हमें आना है यहाँ पे मिक्स वाले टूल पे, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे सेकंड वाला कलर गाइज, इसके ऊपर में आ जाना है। एंड इसकी व्यू है, इसको हमें इंक्रीज करना है। सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड सैचुरेशन गाइज, इसको हमें यहाँ पे सिंपली डाउन करना है। एंड लुमिनेंस को हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड गाइज, इसके बाद नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे हमें येलो कलर पे आ जाना है। एंड इसकी हुई है, इसको हमें डाउन करना है, -100 इसको हमें कर लेना है। एंड सैचुरेशन है, इसको भी हमें -100 कर लेना है। एंड गाइज, ल्यूमिनेंस है, इसको भी हमें हल्का से यहाँ पे डाउन कर लेना है। एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर पे हमें आ जाना है। एंड इसमें भी हुई है गाइज, इसको हमें -100 हमें कर लेना है। एंड सैचुरेशन है, इसको भी हमें -100 कर लेना है। एंड यहाँ पे ल्यूमिनेंस है, इसको हमें यहाँ पे डाउन करना है। एंड गाइज, यहाँ पे हमें नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे एक और कलर पे आ जाना है। एंड इसकी ह्यू को इंक्रीज करना है। एंड सैचुरेशन को यहाँ पे सिंपली इतना कर लेते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे हमें ब्लू कलर पे आ जाना है। एंड इसकी ह्यू है, इसको हमें डाउन करना है, यहाँ पे सिंपली इतना कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सैचुरेशन है, इसको हमें सिंपली यहाँ पे इतना कर लेना है। एंड गाइज, हमें इतना कर लेना है। एंड यहाँ पे ल्यूमिनेंस है, इसको हमें डाउन करना है। एंड यहाँ पे सिंपली इतना कर लेते हैं। एंड इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, अब हमें आना है यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड टेक्सचर गाइज, इसको हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे क्लैरिटी गाइज, इसको भी हमें इंक्रीज करना है। सिंपली यहाँ पे हम इसको इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड डेहेज गाइज, इसको भी हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड यहाँ पे विग्नेट गाइज, इसको हमें यहाँ पे डाउन करना है। सिंपली यहाँ पे इतना हम इसको डाउन कर लेते हैं। एंड इसके बाद में हमें जाना है यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शन पे, अपनी फोटो को हमें स्मूथ करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे शार्पनिंग है, इसको हमें इंक्रीज करना है। सिंपली यहाँ पे इतना हम इसको कर लेते हैं। एंड यहाँ पे डिटेल्स है, इसको हमें फुल करना है। एंड यहाँ पे नॉइस रिडक्शन है, इसको हमें हल्का से इंक्रीज करना है। डिटेल्स को हमें फुल कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद आते हैं यहाँ पे कलर नॉइस रिडक्शन, इसको भी हमें हल्का से इंक्रीज करना है। डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को दोनों को हमें फुल कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद सिंपली यहाँ पे बैक आ जाना है। एंड गाइज, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। सो गाइज, सिंपली अब हमें इसको सेव कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है, एक्सपोर्ट एस पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे हमें जेपीजी सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे वाटरमार्क है, इसको हमें यहाँ पे रिमूव कर लेना है। एंड यहाँ पे डन कर लेना है। तुम्हारी फोटो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर सेव हो जाएगी। सो आई होप गाइज, ये टीम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आएगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।